वेलकम टू ई प्रोजेक्ट। आज जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो एक पुराने प्रोजेक्ट की रीमेक है जो हमने तकरीबन 10-11 महीने पहले बनाया था, पर पिछले हफ्ते ई टेक पे एक सवाल आया इसके मुतलक, उसके बाद पूरे हफ्ते हमें बहुत सारे सवाल मौसूल हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि काम करते हैं कैसे दोबारा बनाते हैं और आपको साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स भी देते हैं कि किस तरह काम करेगा। ये बेसिकली वेव चलर है जो रूम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता ये है कि पंखे के आगे हम जो है कॉपर का ट्यूब लगाते हैं और इसके अंदर हम ठंडा ठंडा पानी पास करते हैं, तो जब पंखा चलता है तो हवा जो है ट्यूब को टकराती है और ठंडी होकर जो है रूम में फैलती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है एक पंखा, साथ में पानी जो आप सर्कुलेट करेंगे इस ट्यूब के आगे से उसके लिए आपको एक आइस बॉक्स की जरूरत है, इसके अंदर बर्फ़ जाएगी और बर्फ़ के साथ इसके अंदर हम एक्वेरियम का वाटर पंप रखेंगे ताकि पानी जो है सर्कुलेट करता रहे। ना पंखे के आगे जो है वो लगेगा ये कॉपर, लगेगी कॉपर की ट्यूब। ना कॉपर की ट्यूब का जो डायमीटर है वो 1/4 इंच का है, इस बात का ख्याल रखिएगा, और साथ में कुछ वाइनल ट्यूबिंग ताकि हम जो है इन दोनों पाइप्स को जो है इसकी एंड को एक्वेरियम के पंप के साथ कनेक्ट कर सकें। अब ये पंखे के साथ उसको आगे लगा के बांधने के लिए हम यूज़ करेंगे ये केबल स्ट्रिप्स। ये सब मैं करने वाला हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा आपको, आइए चल के देखते हैं। अल्लाह अकबर। अब इतने बड़े पंखे के ऊपर मैं तकरीबन जो है 28 फीट जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कॉपर की ट्यूब। अच्छा, इसको जो लगाते वक्त जो है इसको बहुत दूर भी नहीं रखना है ताकि ठंडा ना, और इसको इतना करीब भी नहीं रखना है कि हवा ब्लॉक हो जाए। तकरीबन मैंने जो डिस्टेंस दिया है वो 1/4 या 1/4 इंच जितना ही दिया है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है मैक्सिमम हवा ट्यूब पाइप पर लगे और इसके बाद जो और ठंडी होकर बाहर आए। अच्छा, एक और टिप ये है कि जब आप केबल स्ट्रिप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ग्रिड टाइप बना हुआ है तो इसको बेहतर ये है कि थोड़ा इसको जे टाइप जो फोल्ड करके डालें ताकि इसको निकालने में भी आसानी हो। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो मेरी तरह एक ट्वीज़र यूज़ करें ताकि इसको आप एक तरफ से डालें दूसरी तरफ से खींच लें। वैसे इसका ये जो प्रोसेस है सबसे मुश्किल प्रोसेस है, मतलब कि इस जाली के अंदर जो है ये केबल स्ट्रिप डालना, जोर लगा के जो है ये पाइप को मोड़ना, कॉयल बनाना, सही तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना, ये चीज़ अगर आपने एक बार सही कर ली तो उसके बाद आपका वाटर कूलर जो है कामयाब है। और आप देख सकते हैं मैंने अभी जितना भी बनाया है 4-5 कॉइल्स मैंने बनाया है, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा है। अच्छा, काफ़ी लोगों को बनाते वक्त ये टेंशन हुई कि अगर हम लोग बहुत कम डिस्टेंस छोड़ेंगे तो ये होगा कि हवा पास नहीं होगी। अगर आप एकदम जोड़ देंगे तो ये मसला होगा, पर इससे होगा अगर जैसे कि पाइप जो है वो एरिया कवर करेगा ज़्यादा, तो इन जगहों के अंदर से छोटे छोटे जगहों के अंदर से जो हवा आएगी वो और ज़्यादा प्रेशर से आएगी और ज़्यादा ठंडी हवा आएगी। अब जो इसकी स्ट्रिप्स के जो है आप ये काट दें एक्सेस। अच्छा, इसके बाद जो है मैं ये वाइनल की ट्यूब जो है पाइप के साथ लगाऊंगा, एक एंड जो है इसके साथ लग के आइस बॉक्स में जाएगी और दूसरी जो है एक्वेरियम के पंप के साथ जो पाइप है वो इसमें लगेगा ताकि हम लोग जो है एक सर्कुलेशन जो है इसकी तैयार कर सकें। अब ये जो है ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद मुझे इस पंप को इस आइस बॉक्स के अंदर डालना है, इसके बाद मैं इस पंप को यहाँ डालता हूँ उसके अंदर और दूसरे एंड की जो ट्यूब है वो मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ ताकि एक सर्कुलेशन हमारा बना रहे। फुल ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये एसी की रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर आप इसको बनाते हैं तो इसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एसी को रिप्लेस नहीं करेगा, मगर ये होगा कि आप इसको बना के सुकून से कमरे के अंदर ठंडी हवा के मज़े ले सकते हैं।